नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर में रांझी स्थित छात्राओं के हॉस्टल में 12वीं के 3 छात्रों के घुसने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रकरण 7 मार्च की रात 3 बजे के लगभग की बताई जा रही है। इस घटना ने आवासीय हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक छात्रा ने जब अपने भाई से इसके बारे में बताया तब मामला उजागर हुआ। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। रांझी शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय परिसर में छात्राओं और छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास बने हैं। लगभग 250 छात्राएं और 300 के लगभग छात्र यहाँ 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के रह रहे थे। होली की छुट्टी के चलते वर्तमान में कई घर चले गए हैं। दोनों छात्रावासों की सुरक्षा के लिए 6-6 सुरक्षा गार्ड और हॉस्टल में वार्डन भी तैनात हैं। बावजूद सुरक्षा में चूक होना बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। घटना 7 मार्च की रात 2 से 3 बजे के बीच की है। छात्राओं के हॉस्टल में 3 छात्र 12वीं के घुस गए थे। तीनों छात्र हॉस्टल के पीछे वाली सीढ़ियों से अंदर दाखिल हुए थे। वे काफी देर तक छात्रावास में घूमने के बाद लौटे थे। छात्राओं ने इसकी शिकायत अगले दिन वार्डन और प्रिंसिपल से किया, लेकिन उनकी ओर से कार्रवाई के बजाय छात्राओं को बदनामी का डर दिखाकर खामोश कर दिया गया। छात्रावास में रहने वाली एक छात्रा ने इस घटना का जिक्र अपने भाई से किया। जब उसने इस मामले में विद्यालय के शिक्षक और प्रिंसिपल को सूचना देते हुए कार्रवाई के लिए कहा तो हड़कंप मच गया। बात बाहर जाने के बाद विद्यालय प्रशासन हरकत में आया और मामले की जाँच के आदेश दिए। इधर इस घटना के बाद से आवासीय विद्यालय में रहने वाली छात्राओं के परिवार वाले भी आक्रोशित हैं। उनका साफ कहना है कि हॉस्टल में 6 गार्ड तैनात रहते हैं, इसमें 2 बाहर और 4 अंदर पहरा देते हैं। इसके बाद भी छात्र घुस जा रहे हैं तो ये गंभीर लापरवाही है। आखिर गार्डों को इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई? इस मामले के सामने आने के बाद गर्ल्स और छात्र हॉस्टल के अधीक्षक सफाई देने में जुटे हुए हैं। गर्ल्स हॉस्टल के अधीक्षिका मालती चौधरी ने इसकी जांच करने की बात कही है, तो वहीं छात्र हॉस्टल के अधीक्षक ने चुप्पी साध ली है। प्रजार MT बेग भी इस घटनाक्रम पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि कलेक्टर इलैया राजा टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तीनों आरोपी छात्र हॉस्टल छोड़कर निकल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।